हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू वाला पराठा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने लिया है 1 कप मैदा, 1 चम्मच चॉप की हुई सब्ज मिर्च, थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला। ये हमने एक बॉयल आलू लिया है, इसको हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो आलू को भी मैश करके शामिल कर देंगे। तो ये हमने एक एग लिया है, हम इसे भी मिक्सचर में शामिल कर लेंगे। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्सचर हमारा रेडी है। अब हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल तकरीबन हमने 3 चम्मच के बराबर लिया है। तो मिक्सचर हमारा तैयार है। मिक्सचर को हम इसी तरह पतला रखेंगे ताकि पराठे हमारे क्रिस्पी बने। चलें जी, तवे पे पहले कुकिंग ऑयल लगा लें। अब मिक्सचर तवे पे डालें और आहिस्ता आहिस्ता करके फैला दें। मिक्सचर को हम जितना पतला करके फैलाएंगे पराठा हमारा उतना ही क्रिस्पी बनेगा। चलें जी, अब हम इसे अच्छी तरह से पकने देंगे। उसके बाद दूसरी तरफ से भी ऑयल लगा दें। ऑयल लगाने के बाद पलटें। चलें जी, पराठा हमारा तैयार हो चुका है। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।